इस मोटर को हम कार में लगाने वाले हैं, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते। आपको मैं कुछ नया बनाकर दिखाऊंगा, आप भी इसको बनाकर कार में लगा सकते हो और कार को तेजी से घुमा सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। तो इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे, जो ये शाफ्ट है ना, हम इसमें थोड़ी बड़ी बनाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी दोनों पहिए एक मोटर के साथ चलेगी। हम ऐसा नहीं करेंगे तो दो मोटर लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसमें जुगाड़ बनाएंगे। जो आपके पास मोटर है उसकी शाफ्ट जितनी बड़ी है आप उतनी ही शाफ्ट लेना। मैं साइकिल का इसको यूज कर रहा हूँ, मेरे को जितना चाहिए मैंने कटिंग कर लिया है। अभी मोटर की शाफ्ट को निकालेंगे। आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो कुछ इस तरह से लूज आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लूज है, तो इसको मैं भी अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं टेप का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और भी मजबूती के लिए मैं फेविक्विक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसको फिक्स करने के बाद बनकर कंप्लीट हो चुका है, अभी इसको फिक्स करेंगे। अभी इसको पावर देके आपको दिखाते हैं कि किधर लगाना है। हमने इसको कितना अच्छे से लगाया है, देखो वाइब्रेट नहीं हो रहा है। हम इसको अभी किधर लगाने वाले हैं, आप इसमें कार में यूज कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कार में लगाकर दिखाने वाला हूँ। इसको कैसे लगाते हैं, कितने भाई मुश्किलें आएगी लगाने में, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। कौन से कार में लगा सकते हैं, कौन से कार में नहीं लगा सकते, आपको मैं ये पहिए लगाकर दिखाता हूँ भाई कितना स्टेबल है। आप इसमें जो बार लगाए हो वो जरा सा भी टेढ़ा हो गया ना, ये प्रोजेक्ट काम नहीं करेगा, मोटर खराब हो सकती है। वाइब्रेशन मोटर को नहीं चाहिए। इसको देखने के बाद आप बोलेंगे भाई आपने तो ऐसे ही बनाया है। नहीं भाई, मैंने पहिया ठीक से नहीं लगाया है। अभी देख सकते हो भाई हो रहा है नहीं ना, तो हम इसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो जाते जाते मैं आपको कार दिखा लेता हूँ। ये देख सकते हो, इसको हम फुल स्पीड में चलाएंगे। ये कहाँ क्रैश होगी, कहाँ नहीं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। और इसकी मेकिंग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।